अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी 46th एपिसोड के साथ। और जिस तरह आपको मालूम है कि लास्ट 45th एपिसोड से हमने जो फेसबुक को स्टडी करना शुरू किया है, उसमें हम बिजनेस और सोशल इश्यूज, जो सोशल प्रोफाइलिंग है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली एपिसोड में हमने पेज और प्रोफाइल के बारे में इन डेप्थ पढ़ा था कि वो क्या होता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे करना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और अब हम चलेंगे बिजनेस साइड की तरफ। अब बिजनेस टूल की तरफ आते हैं। बिजनेस टूल में यह है कि आपको इन्होंने एक और फैसिलिटी दी है जहाँ पे आप स्पेसिफिकली अपनी कंपनी का पेज, अपने ब्रांड का पेज, अपने कॉज का पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो पेज में आपके फॉलोअर्स और आपकी फैनशिप आती है, यानी कि लाइक्स आते हैं। अब यहाँ पे देखने के और दूसरी एक और इसके साथ एक और चीज़ है, ग्रुप्स, कि आप या तो पेज भी बना सकते हैं और ग्रुप्स भी बना सकते हैं। पेज जो है वो क्या चीज़ है, पेज रिलेटेड टू योर ब्रांड, योर कंपनी, योर बिजनेस, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई कॉज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप उसको स्पेसिफिकली एडवर्टाइज करना चाहते हैं या बिजनेस कमर्शियली उसको आगे लेके चलना चाहते हैं, तो आप पेज बनाएंगे। अगर आप ग्रुप बनाते हैं, पेज और ग्रुप में क्या फ़र्क है, ग्रुप पेज इज़ लाइक कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो सकेंगी उसमें, और जो ग्रुप है वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए और कम्युनिटी को और ज़्यादा गैदर करने के लिए, एक टॉपिक के ऊपर, एक मसले के ऊपर, इशू के ऊपर, या किसी भी, वो आपकी कंपनी भी हो सकती है, लेकिन उसमें आप वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जो आप पेज में करते हैं। जैसे कि आप एड्स रन नहीं कर सकते ग्रुप में, जो आपको ऑर्गेनिकली ही अपनी पोस्ट को और अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ग्रुप के अंदर जो आप शेयर कर रहे हैं, वो उसी तरीके से फैलेंगे जो कि पॉलिसी है फेसबुक की आपकी प्रोफाइल के साथ। और लेकिन उसमें भी ग्रुप मेंबर्स की भी कोई लिमिट नहीं है, आप लाखों तक जा सकते हैं, और इसी तरह पेज लाइक्स और फॉलोअर्स भी आप लाखों तक जा सकते हैं। तो अब इसमें ये फ़र्क आपको पता लग गया कि पेज और ग्रुप में क्या फ़र्क है। आप ग्रुप जस्ट अपनी जो सोशल कॉज है आपका, उसको बढ़ाने के लिए डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी उसमें नहीं हो सकती। हाँ, अगर करनी भी है तो इनडायरेक्टली आप किसी पेज का सहारा ही लेकर उस ग्रुप को प्रमोट कर सकते हैं। पेजेस में दो तरह के लोग, अब मेंबर तो उसमें बन रहे हैं ग्रुप्स में, अब पेज में भी दो तरह के लोग आ रहे हैं। एक सिंपल लाइक करने वाले लोग जो कि आपके साथ बाय नेम अटैच होना चाहते हैं, अपने आप को अटैच कर सकते हैं, और एक होते हैं फॉलोअर्स। हमारे लिए फॉलोअर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो चूज़ करते हैं कि जो इस पेज में कोई अपडेट आएगी, तो पोस्ट लगेगी, वो उन तक पहुँचे, वो इस बात को मेक श्योर करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम फॉलोअर्स। तो हमें, हमारा कंसर्न ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि उस पेज के फॉलोअर्स कितने हैं और फॉलोअर्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो आपके लाइक वाले जो मेंबर्स हैं जो हैं उनसे ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन हमें कंसंट्रेट उसी पे करना है जो आपके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वही आपके एसेट हैं। अब पेजेस की भी उसी तरह तरीके से इम्पोर्टेंस है जिस तरह की आपकी वेबसाइट की होती है, क्योंकि इसमें भी आप देखें कि आपको यूज़र नेम देना है। अब यूज़र नेम लेने के लिए, पेज यूज़र नेम आपको लेने के लिए, सबसे पहले एक जब पेज आप क्रिएट कर देंगे तो आपको फ़ौरन यूज़र नेम नहीं मिल जाता, फेसबुक नहीं देता। आपको ये साबित करना है कि आपकी फॉलोअरशिप है उस ब्रांड की, उस कंपनी की या उसकी, तो आपको 10 से लेकर 30 मेंबर्स, फॉलोअर्स उसमें बनाने हैं, लाइक्स बनाने हैं। उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी कि आप अब इसका कोई यूज़र नेम जो कि URL बनेगा फेसबुक का, यानी कि facebook.com/xyz, जो भी अवेलेबल, अब वो भी अवेलेबल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अब देखना है कि अगर आप बेतहाशा कंपनियां दुनिया में जो है वो URL लेने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, तो आपको, आप देखेंगे जब जैसे ही आपको वो ऑप्शन रिसीव हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपको यूज़र नेम वो अवेलेबल है या नहीं है। फिर जो भी मैक्सिमम अच्छा आपको URL यूज़र नेम अवेलेबल होगा, वो आप उसी वक्त रजिस्टर करेंगे। अब वो आपका पेज जो है वो मुकम्मल रजिस्टर हो गया फेसबुक के साथ। अब इसमें यहाँ पे एक और चीज़ भी ख्याल रखना है कि आप जब आप पेज नेम चेंज करते हैं, तो आप पेज नेम चेंज कर सकते हैं,
किसी भी टाइम, लेकिन आपको एडमिन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसमें फेसबुक की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि आप अगर 200 से ऊपर आपके फॉलोअर्स हैं या लाइक्स हैं और अगर आप एडमिन भी हैं तब आप इजीली पेज का नेम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ टाइम उसके अलावा भी कर सकते हैं। अगर नया पेज है तो फौरन जल्दी रिएक्शन फेसबुक फौरन चेंज कर देगा। लेकिन अगर आप उसमें ये भी देख रहे होते हैं वो कि आप बिल्कुल टोटली देखें, ये कम्युनिटी का एक ख्याल रखना होता है कि अगर आपने जब जिस नाम के थ्रू, जिस ब्रांड नेम के थ्रू या जिस कॉज के थ्रू को फैलाने के लिए लोगों की लाइक्स लिए हैं, लोगों को फॉलो किया, फॉलो करवाया है, क्या आपने बाद में टोटल उसको 100% 360 डिग्री एकदम चेंज तो नहीं कर दिया, लेकिन कोई अनएथिकल चीज़ कर दी, कोई ऐसा टॉपिक कर दिया जिसमें जनरली लोग जिसको पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो उनके राइट्स को तहफ़ देता है कि आप कहीं एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर दें नाम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेज और द ग्रुप, और उसके बाद जो लोग आपके फॉलोअर्स हैं वो उनके लिए मुश्किल हो कि वो आया वो ये चीज़ फॉलो करते भी हैं या नहीं करते। इसलिए यूज़र नेम चेंज करते वक्त या पेज नेम चेंज करते वक्त फेसबुक कुछ टाइम लेगा, कुछ एनालाइज करेगा, फिर वो अलाउ करेगा आपको आपका ये नाम चेंज करने के लिए। पेजेस में आपको एडवर्टिजमेंट की सहूलत मौजूद है। पेज में जब आप एज अ पेज एज अ होल आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि पे करके फेसबुक को पे करके ऐड चला सकते हैं, जो पे जितना भी आपका बजट होगा उस हिसाब से वो चलाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स लेकर आएगा, जो भी आपने जियोग्राफिकली और इंटरेस्ट बेस्ड या डेमोग्राफिकली या जेंडर बेस्ड जो भी आपने टारगेट किया है जिन लोगों को, और दूसरी तरफ वो ग्रुप को आप प्रमोट नहीं कर सकते। ग्रुप में आपको अपनी सर्कल के थ्रू ही उसको और लोगों को इनविटेशन के थ्रू ही आप सिर्फ उसमें ला सकते हैं। पेज में आप इनविटेशन के थ्रू भी ला सकते हैं, पेज को प्रमोट करके भी ला सकते हैं, जो पेज के अंदर जो पोस्ट लग रही हैं वो वीडियो भी हो सकती हैं, वो इमेज भी हो सकती हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकती हैं, वो स्टेटस पेस्ट भी हो सकती हैं, वो स्टोरीज भी हो सकती हैं, उन सब को आप प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स अपने पेज पर ला सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे इसको, सबसे पहले इसमें एक ट्रिक आपको बताऊं, सबसे पहले अगर आपकी अपनी प्रोफाइल का जो साइज़ है वो एक अच्छा है, यानी कि आप 5,000-4,000 प्रोफाइल में आपका सर्कल बन चुका है, तो आप किसी भी पेज को जैसे ही करेंगे बनाएंगे तो उसमें आप 200-300 मेंबर्स को बड़े आराम से ले आएंगे बाय इनवाइटिंग देम। और इसी तरह कोई ग्रुप बनाएंगे तब भी आप अपने ही फॉलोअर्स को, जो अपने ही फ्रेंड्स सर्कल को जब आप इनवाइट करेंगे अपने किसी ख़ास ग्रुप के अंदर, तो लोग क्योंकि आपको जानते हैं आपकी इनविटेशन उन तक जाएगी तो वो आपको फॉलो करने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश ये होगी कि आप सबसे पहले पेज की वर्थ बनाएं जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। जितनी आपकी वर्थ अच्छी होगी, यानी कि आप जब बूस्टिंग स्टार्ट करेंगे, पेड बूस्टिंग स्टार्ट करेंगे, तो वो फेसबुक ये देखता है कि ये ऑलरेडी कितनी एक बेसिक लेवल तक पहुंचा हुआ है या नहीं पहुंचा, तो वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करता है फिर पेड में भी। फिर उसका पेड में, और इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, आप कोई भी कॉन्टेंट फेसबुक पे दो तरह से आप प्रमोट करते हैं। एक तो ये कि आप ऑर्गेनिक पे करके लें, ये जो पेड एक्टिविटी, और दूसरी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन के आप उसको मैनुअली अपने कंटेंट को, पेज को, वो आपका प्रोफाइल का लिंक भी हो सकता है, प्रोफाइल की पोस्ट भी हो सकती है, वो ग्रुप की पोस्ट भी हो सकती है, वो आप मैनुअली लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि आप शेयरिंग करें ग्रुप्स के अंदर, दूसरे ग्रुप्स के अंदर जिनके आप ज्वाइन जिनको आपने ज्वाइन किया हुआ है। हर ग्रुप ओनर आपको यहाँ तक फेसबुक अलाउ करता है कि आप जो ग्रुप बनाते हैं उसमें आप अपनी पॉलिसीज़ और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी रख सकते हैं, सर्वेस क्वेश्चंस रख सकते हैं, ताकि लोग बड़े स्पेसिफिक लोग, आपके जो टारगेटेड लोग हैं वही उसको ज्वाइन कर सकें।
پھر خاص طور پہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی پالیسی, ہر گروپ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ اس میں لوگ کتنی شیئرنگ کر سکتے ہیں, کتنا کس قسم کے ایڈ ڈال سکتے ہیں. گروپ ایڈمن کے پاس یا پیج ایڈمن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈس الاؤ کر سکے, اس کو اپروو کرے یا نہ کرے. دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک پرائیویٹ گروپ ہوتا ہے, ایک پبلک گروپ آپ بنا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ ہر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ پبلک گروپس زیادہ سے زیادہ جوائن کریں اپنے, جو بھی آپ اگر پیڈ کمپینس نہیں چلا سکتے فی الحال, تو آپ اپنی انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی گروپس موجود ہیں اس ان کو جوائن کریں, ان کی پالیسی کے حساب سے اس میں اپنا کانٹینٹ اور اپنے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں, تو آپ کو پیج پہ لائکس بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ اپنی کمیونٹی بلڈ کرنا برانڈنگ کر سکیں گے. اس کو کہتے ہیں آرگینک ایکسپینڈ. تو یہ تھا, تو آپ کو یہاں پہ یہ کلیئر ہو گیا کہ پیڈ بوسٹ کیا ہوتا ہے. پیڈ وین یو آر پیئنگ ٹو فیس بک ٹو بوسٹ یور پوسٹ اور پیج, تو آپ کا یہ پیڈ ہوگا. اور اب وین یو آر شیئرنگ یور کانٹینٹ مینولی ود دا شیئر بٹن اور اینی ادر ٹول, تو وہ آرگینک ہوگا. آرگینک کے ٹولس بے شمار ہیں. اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ آرگینک ٹولس اسپریڈ ٹولس مل جاتے ہیں, لیکن یہ بڑا رسکی بزنس ہے, کیونکہ فیس بک اب جو موجودہ فیس بک ہے اس میں آپ کی لاگ ان ڈیٹیلز جاری ہوتی ہیں, اور اگر آپ اس قسم کے کوئی تھرڈ پارٹی ٹولس یوز کرتے ہیں جو آپ خود بخود شیئرنگ ویئرنگ کرنا شروع کر دیں, آپ کے پیج کو کانٹینٹ بے شمار مل جائیں گے آپ کو, لیکن آپ کے پروفائل ڈسیبل ہونے کے بڑے چانسز ہوں گے, کیونکہ وہ جو ٹولز ہیں وہ اپنے آپ کو لاگ ان کرواتے ہیں مختلف لوکیشن سے دنیا میں, تو آپ کی جو پروفائل ہے وہ سسپیشیس ہو جائے گی فیس بک کی نظر میں. تو اس میں بڑے چانسز ہیں کہ آپ کا پیج جو ہے اور آپ کا جو پروفائل ہے وہ لاک ہو جائے. تو اور کیونکہ فیس پروفائل کے اور جو بھی ایڈ چلتے ہیں نا پیج کے اوپر, جو پیڈ ایڈ چلتے ہیں وہ آپ کی بیسکلی پروفائل سے چل رہے ہوتے ہیں, پیج سے نہیں چل رہے ہوتے, پروفائل. جو آپ کو جو ایڈ مینیجر دیا گیا ہے وہ آپ کی پروفائل پہ دیا گیا, تو ہم ایڈ مینیجر پہ بھی جائیں گے کہ اس میں کیا کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے, تبھی کچھ آپ کو اچھے نتائج ملیں گے. اور فیئر رہیں, کبھی بھی چیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, جیسے کہ ٹو مچ شیئرنگ ہے. اچھا, اب ایک بہت سارے لوگ ہمیں مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارا وہ گروپ سسپینڈ ہو گیا, یا ہمارا پیج سسپینڈ ہو گیا, یا ہمارا پروفائل سسپینڈ ہو گیا, وائلیشن ہو گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب شیئر کا بٹن ہے نا اس کو شیئرنگ کرنا ہی شروع کر دیتے ہیں بار بار, تو ایک اچھا لیجیٹیمیٹ ایک ٹائم دیں شیئرنگ کے درمیان. آپ اگر بہت زیادہ شیئرنگ کرنا شروع کریں گے, فیس بک اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ وہ اسپیمنگ میں آ جائے گا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ پہ پلنٹی لگ جائے گی. فیس بک شروع میں کیا کرتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ دن کے لیے آپ کو ڈس الاؤ کرے گا کہ آپ کسی گروپ میں شیئرنگ نہیں کر سکتے, یا کسی پیج پہ نہیں دے سکتے, یا کسی کامنٹ نہیں کر سکتے. آپ بلا وجہ اگر کامنٹ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو کسی بھی چیزوں پہ اور پروموٹ کر رہے ہیں اپنے کسی کانٹینٹ کو یا یو آر ایل کو, تو آپ بین ہو جائیں گے. اور اگر آپ پھر بھی نہیں باز آئیں گے تو آپ کی جو پروفائل ہے وہ پرماننٹلی بین ہو جائے گی. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ آپ نے شیئرنگ بھی کرنی ہے تو بڑا خیال سے کرنی ہے, کہ ایک وقت میں جب آپ بیٹھیں تو دو تین یا چار شیئرنگ سے زیادہ نہ کریں, پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں, ڈیلی تین چار پانچ چھ کرتے رہیں, یہاں آپ کا کانٹینٹ آہستہ آہستہ پھیلتا جائے گا, بڑا ہوتا جائے گا. تو یہ ہو گیا اس میں. اب نیکسٹ جو میں ویڈیو کروں گا, یہاں پہ میں روکتا ہوں, کافی زیادہ ہو گیا بیسک نالج. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں ایڈس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایڈس کس طرح بنانے چاہیے, ان میں لائکس کس طرح لانے چاہیے, انگیجمنٹ کس طرح بڑھانی چاہیے, اور لیڈس کس طرح جنریٹ کرنی چاہیے, اس میں کس کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کریں گے آپ خود, میں کوئی پریکٹیکل کورسز نہیں کروا رہا, میں صرف اپنی نالج شیئر کر رہا ہوں. تو آپ میری ان باتوں کو اگر خیال رکھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایزی ہو جائے اس کو آگے لے کے چلنا. تو یہ بہت اچھا پروفیشن ہے اور اس نے آگے بہت بڑھنا ہے, اور آپ یہ گھر سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ بزنس ہے چھوٹا سا, آپ سوشل میڈیا مارکیٹر بن سکتے ہیں, اور اپنے جو بھی سرکل ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں, شاپس ہیں,
उनको आप ये सर्विसेज दे सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू और अच्छी इनकम बना सकते हैं। तो यहाँ पे रोकते हैं आज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको पता लगेगा कि, और बेल का आइकॉन दबाएं तभी आपको पता लगेगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आई है और उसमें क्या टॉपिक है। तो स्टे इन टच, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।